Hello students, let's start the next part of your chapter. After the Battle of Plassey, the company officials forced the actual Nawabs of Bengal to give land and vast sums of money as personal gifts. अब प्लासी की जो बैटल हुई थी उसके बाद जो कंपनी ऑफिशियल्स थे फोर्स द एक्चुअल नवाब, उन्होंने नवाब्स को बंगाल के जो नवाब थे उनको फोर्स किया कि आपको हमें गिफ्ट के तौर पे कुछ लैंड और कुछ मनी देनी होगी. 1764 में रॉबर्ट क्लाइव जो था बेटा वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल एंड वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. और उसको बोला गया कि आपको कंपनी के अंदर जो भी करप्शन चल रही है उसको रिमूव करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा. मैनी कंपनी ऑफिशियल्स डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज़ एंड वॉर. बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स यहाँ पे आए और बहुत सी बीमारियों के कारण मर गए. सम ऑफ द ऑफिशियल्स केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लेड अ कम्फर्टेबल लाइफ. कुछ ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे आके बहुत कुछ कमाया, बहुत पैसा कमाया और आराम से जाकर ब्रिटेन में रहे और अपनी कंफर्टेबल लाइफ जो थी वो स्पेंड की. दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ वर कॉल्ड नवाब्स. अब जो वेल्थ के साथ बेटा जो वेल्थ के साथ लौटे वापस, वेल्थ मतलब बहुत सारा पैसा उनके साथ लौटे सब, उनको नवाब्स बोला गया. एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, ये नवाब से ही नवाब बना है. कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी का रूल कैसे एक्सपेंड हुआ. अब बेटा 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हुए इंडिया के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स एमर्ज होते हैं, कुछ पहलू सामने आते हैं जो हैं. द कंपनी रियली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी. मतलब जिस टेरिटरी को वो जो टेरिटरी उनके लिए अननोन थी उसके लिए वो बहुत ही मतलब कि रेयर चांस थे कि वो मिलिट्री अटैक करें. इट ऑल्टरनेटली यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम. कंपनी जो थी बेटा वो बहुत ही कम डायरेक्ट अटैक करती थी किसी भी टेरिटरी के ऊपर. वो किसी भी इंडियन स्टेट के ऊपर कब्जा करने से पहले वो क्या करती थी, अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक बहुत मतलब कि अलग अलग तरीके अपनाती थी उस पर धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाने के लिए. After the Battle of Buxar, the company appointed residents in Indian state. They were political or commercial agent and their job was to serve and further the interest of the company. अब बक्सर की जो बैटल थी उसके बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स. अब वहाँ के बक्सर की जो बेटा लड़ाई थी, बैटल थी, उसके बाद कंपनी ने जो कंपनी के लोग थे उनको रेजिडेंट्स की फॉर्म के रूप में वहाँ पे अपॉइंट किया, मतलब इंडियन स्टेट्स के अंदर. देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल, वो कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट थे कंपनी के ही, जिनका काम जो था वो कंपनी को सर्व करना था, मतलब कंपनी के लिए काम करना था. नेक्स्ट इज बेटा सब्सिडायरी एलियंस. इसका मतलब था कि जो इंडियन रूलर्स थे बेटा उनको ये अलाउड नहीं था कि वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स बना सके. देवर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, ये कहा गया था कि उनको कंपनी द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है. बट हैड टू पे द फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ हिज प्रोटेक्शन. अब लेकिन कंपनी ने ये कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन इसके बदले आपको हमें मतलब सब्सिडायरी फोर्स के लिए जो उन्होंने डिसाइड किया है कंपनी ने वो आपको पे करना पड़ेगा.
अगर इंडियन रूलर फेल हो जाता है उस पेमेंट को करने में, उन पैसों को देने में, तो क्या किया जाता था कि देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज द पेलेंटी। पेलेंटी की फॉर्म में उनकी एक टेरिटरी ले ली जाती थी। नेक्स्ट इज टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ। अब देखो बेटा, जो मैसूर था वो हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान की देखरेख में उन्होंने अपना जो राज्य था उसको मैसूर में आगे बढ़ाया। इट कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। उन्होंने प्रॉफिटेबल ट्रेड जो था मालाबार कोस्ट के साइड पे, वो बहुत ही प्रॉफिट लेकर ट्रेड किया। वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डेमम, जहाँ पे उन्होंने कंपनी को पेपर, काली मिर्च और इलायची जो कंपनी ने थी उनसे खरीदी। टीपू सुल्तान इन 1785 स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमम। 1785 के अंदर जो टीपू सुल्तान था उसने सैंडलवुड, चंदन, पेपर और कार्डेमोम का जो एक्सपोर्ट था वो बंद करवा दिया कंपनी के लिए। द कंपनी फाउट फोर वोट्स विद मैसूर, चार वोट्स हुई मैसूर के साथ। फाइनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सरिंगापट्टम द कंपनी अचीव्ड विक्ट्री। बाद में सरिंगापट्टम में कंपनी को विक्ट्री मिली थी। वॉर विथ मराठास। द कंपनी फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी वॉज प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय मराठा पावर। अब जो कंपनी थी 18th सेंचुरी में वो क्या करना चाहती थी, मराठास की पावर को डिस्ट्रॉय, ख़त्म करना चाहती थी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास वर डिफीटेड एंड देयर ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शटर्ड। अब 1761 में पानीपत की थर्ड बैटल हुई, तीसरी लड़ाई हुई पानीपत की, जहाँ पे मराठा हार गए और उनके जो ड्रीम्स थे दिल्ली पर अधिकार करने के वो सब टूट गए। दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स बिलोंग टू डायनेसिटीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। मतलब उनका वो अलग अलग स्टेट्स में बेटा डिवाइड हो गए, उनके चीफ्स अलग अलग हो गए। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर अंडर पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर, हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। अब देखो बेटा, इनको चार स्टेट्स में बांट दिया, इनके सरदार अलग हो गए, चीफ्स अलग हो गए। अब उनके चीफ्स के भी जो ऊपर थे वो था पेशवा। मराठास वर बेटा मराठा जो थे वो बहुत सारी वॉर्स के अंदर शामिल हुए। जो फर्स्ट वॉर थी 1782 में विद ट्रेटी ऑफ सालबई, देयर वॉज नो क्लियर विक्ट्री विक्टर। 1782 में सालबई के अंदर विक्ट्री जो हुई थी वो एक संधि के साथ ख़त्म हो गई, जिसमें कोई क्लियर विक्टर नहीं था, क्लियर विजेता नहीं था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फाउट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। अब जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें उड़ीसा एंड द टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, ये सब मिल गए थे। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-19 क्रश्ड मराठा पावर। अब 1817 से लेकर 19 तक जो वॉर हुई थी उसके अंदर जो मराठास थे उनको हरा दिया गया था। नेक्स्ट इज द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी होता है बेटा अपने आप को सर्वोच्च साबित करना, सुपीरियर साबित करना। पैरामाउंटेसी अ न्यू पॉलिसी वॉज इनिशिएटेड अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जब गवर्नर था 1813 से लेकर 1823 तक, तब उसने एक नई पॉलिसी ये चलाई थी
The company claimed that its power was greater than that of Indian states. तो ये सोचती थी कंपनी, उन्होंने ये क्लेम किया कि उनकी पावर जो है वो इंडियन स्टेट से ज़्यादा है. इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरिड अबाउट रशिया. अब 1830 के बाद वो रशिया को लेकर बेटा बहुत वरिड हो गए. इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, द कंपनी फाउंड अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर. अब क्या था, उन्होंने ये सोचा कि जो रशिया है वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एंटर कर जाएगा, और जो कंपनी थी फाउंड अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान, उन्होंने 1838 से लेकर 1842 तक अफगानिस्तान के साथ वॉर लड़ी थी. एंड एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, वहाँ पे भी इनडायरेक्ट कंपनी रूल स्टार्ट हो गया था. पंजाब वॉज एनेक्स्ड इन 1849 आफ्टर टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स. उसके बाद उन्होंने पंजाब पे ध्यान दिया 1849, मतलब दो वॉर्स के बाद पंजाब भी उन्होंने जीत लिया. नेक्स्ट बेटा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी बेटा वो वहाँ के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक वो गवर्नर रहे थे, उन्होंने ये पॉलिसी चलाई. उनके अकॉर्डिंग अगर कोई जो इंडियन रूलर है उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई सन नहीं है आगे उसको उसके जो राज्य है उसकी जो किंगडम है उसको संभालने वाला, तो जो टेरिटरी है उसकी वो कंपनी द्वारा हड़प ली जाएगी, मतलब कंपनी उस पर अधिकार करेगी उसके बाद. इन 1856 द कंपनी टुक ओवर अवध. अवध को उन्होंने 1856 में ऐसे ही लिया. इससे नाराज़ होकर बहुत लोग जो थे वो इससे नाराज़ थे, इसलिए बहुत सारे जो नवाब थे उन्होंने 1857 की वॉर में रिवॉल्ट में शामिल हुए कंपनी के खिलाफ. सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरेन हेस्टिंग्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर. बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कंपनी की पावर को आगे बढ़ाने में उसका. ड्यूरिंग हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास. उसके टाइम में ही कंपनी की जो पावर थी वो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास में बढ़ी थी. ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसेस. अब क्या था, ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी बेटा ब्रॉडली उनको डिवाइड किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंडर. अब उनको बोला गया था प्रेसिडेंसेस. देयर वर थ्री प्रेसिडेंसेस, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर. From 1772, a new system of justice was established. According to the new system, each district needed to have the two courts, a criminal court, फौजदारी अदालत जिसको बोला गया, and a civil court, दीवानी अदालत. अब वहाँ पर courts बना दिए गए, criminal court and